हेलो चिल्ड्रन, टुडे वी शैल स्टार्ट अवर चैप्टर विद द टॉपिक ताजमहल। विजिट टू आगरा में सबसे पहले हम विजिट करेंगे ताजमहल की। लेट्स स्टार्ट। आगरा हैज़ बिकम वर्ल्ड फेमस एज ए होम टू द एन्चेंटिंग ताजमहल। बहुत ही सुंदर मोहक ताजमहल का घर आगरा है, इसलिए आगरा संसार भर में फेमस है। यानी ताजमहल जो है आगरा में है, इसी की वजह से आगरा संसार भर में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल पीसीज ऑफ आर्किटेक्चर। वास्तुकला की कलाकृतियों में ताजमहल बहुत ही ज़्यादा सुंदर एक मोनूमेंट है, एक कलाकृति है। इट वॉज बिल्ट ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना बाई मुगल एम्परर शाहजहां इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज महल। ताजमहल जो है यमुना नदी के किनारे पर मुगल शासक शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। ताजमहल इज मेड ऑफ वाइट मार्बल विथ ब्यूटिफुल इनले वर्क। ताजमहल जो है सफ़ेद मार्बल से बना हुआ है और इसके अंदर जड़त काम है, यानी जड़ा हुआ काम है। जो भी खिड़कियां हैं, झरोखे हैं, दीवारें हैं, उनके अंदर अलग अलग आकृतियां, फूल पत्तियां बनी हुई हैं। इट हैज़ ब्यूटिफुल गार्डन्स इन द फोर फ्रंट। ताजमहल के आगे वाले हिस्से में बिल्कुल सामने बहुत ही सुंदर बगीचे हैं। तो देखो बेटा, ये हमारा ताजमहल है, ये सफ़ेद मार्बल से बना हुआ है और इसमें जड़त काम है, जड़ा हुआ काम है, और इसके बिल्कुल सामने बहुत सुंदर बगीचे हैं। नेक्स्ट, डू यू नो द वर्क ऑन ताजमहल स्टार्टेड इन 1631 AD एंड इट टुक 22 ईयर्स फॉर 20,000 पीपल टू कम्प्लीट इट। आगरा का जो ताजमहल है उसका कार्य 1631 AD में शुरू हुआ और 20,000 लोगों को 22 साल लगे थे इसे पूरा करने में। द कंस्ट्रक्शन मटेरियल वॉज ब्रॉट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, चाइना, तिब्बत, श्रीलंका एंड अरेबिया। ताजमहल के निर्माण कार्य में जो सामग्री यूज हुई थी, जिस सामग्री का इस्तेमाल किया गया, जैसे सफ़ेद पत्थर आदि का, वो भारत के, चाइना के, तिब्बत के, श्रीलंका के और अरब के अलग अलग हिस्सों से मंगवाया था। नेक्स्ट हमारा है आगरा फोर्ट, आगरा का किला। ताजमहल के बाद अब आता है आगरा का किला। द फेमस आगरा फोर्ट लाइज 2 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द ताजमहल। प्रसिद्ध आगरे का जो किला है वो ताजमहल से 2 किलोमीटर दूर है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फोर्ट वॉज स्टार्टेड बाई अकबर एंड वॉज कम्प्लीटेड ड्यूरिंग शाहजहां पीरियड। आगरा के किले का निर्माण शुरू किया था अकबर ने और ये जो आगरे का किला है बनकर तैयार हुआ शाहजहां के पीरियड में, शाहजहां के युग में। द टू मेन एंट्रेंसेज टू द फोर्ट आर कॉल्ड द दिल्ली गेट एंड द अमर सिंह गेट। इस किले के जो दो मुख्य द्वार हैं वो जाने जाते हैं दिल्ली गेट और अमर सिंह गेट के रूप में। आगरा फोर्ट कंसिस्ट ऑफ मैनी बिल्डिंग्स लाइक जहांगीर महल, खास महल, मौसमन बुर्ज, दीवाने खास एंड शीश महल। आगरा के किले के अंदर बहुत से इमारतें हैं, जैसे जहांगीर महल, खास महल, मौसम बुर्ज, दीवाने खास एंड शीश महल। नेक्स्ट आता है हमारा फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी इज 37 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम आगरा। फतेहपुर सीकरी आगरा से 37 किलोमीटर दूर है। द टाउन वॉज बिल्ट कम्प्लीटली इन रेड सैंड स्टोन। जो फतेहपुर सीकरी है, जो ये कस्बा है, वो पूर्णतः लाल सैंड स्टोन से बना हुआ है, बालू मिट्टी से बना हुआ है। द स्लोपिंग लेवल ऑफ फतेहपुर वर कनेक्टेड विद टेरेसिज वेयर डिफरेंट बिल्डिंग्स वर बिल्ट लाइक जामी मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, टोम्बुप, सिख, सलीम चिश्ती, पंचमहल एंड अनूप तलाव। जो फतेहपुर सीकरी के ढलान वाले जो स्तर हैं वो जुड़े हुए हैं चबूतरों से और वहाँ पर अलग अलग इमारतें हैं बनी हुई हैं, जैसे कि जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, सिख सलीम चिश्ती की कब्र, पंचमहल और अनूप तलाव। द टाउन हैड ए मोस्ट वेल प्लान्ड ड्रेनेज एंड वाटर सप्लाई सिस्टम। कस्बे के अंदर पानी के आने और पानी के निकास की बहुत ही अच्छी योजना है। ये फतेहपुर सीकरी है हमारे, इसकी ये जो देखो पंचमहल है, ये बुलंद दरवाजा हो गया, ये अनूप तलाव हो गया, ये शेख सलीम
चिश्ती की दरगाह कब्र हो गई। इट इज़ वेरी कन्वीनियंट टू मूव अराउंड आगरा एज टैक्सी, ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा, टोंगाज आर ईजीली अवेलेबल। आगरा के चारों ओर घूमना बड़ा ही सुविधाजनक है क्योंकि यहाँ पर हमें टैक्सी मिल जाएगी, ऑटो रिक्शा मिल जाएगी, साइकिल रिक्शा मिल जाएंगी, तांगे मिल जाएंगे, ये सब हमें ईजीली यहाँ पर मिल जाएंगे। डीजल और पेट्रोल व्हीकल्स आर नॉट अलाउड टू प्लाई इन द ताजमहल एरिया टू प्रिजर्व द ब्यूटी ऑफ द ग्रेट मोनूमेंट। डीजल और पेट्रोल के जो व्हीकल हैं वो यहाँ पर ताजमहल वाले क्षेत्र में नहीं चल सकते क्योंकि इस सुंदर ताजमहल की सुंदरता को बनाए रखने के लिए अगर पेट्रोल डीजल के व्हीकल यहाँ पर चलेंगे तो उनसे पोल्यूशन होगा, धुआं निकलेगा और वो धुआं फिर इस ताजमहल की सुंदरता को खराब कर देगा। इसलिए इस ब्यूटी को प्रिजर्व रखने के लिए यहाँ पर केवल पेट्रोल और डीजल के व्हीकल नहीं चल सकते, केवल यहाँ पर तो ओनली पोल्यूशन फ्री बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स, टोंगाज, कैमल कार्ट्स एंड रिक्शाज आर अलाउड। यहाँ पर केवल प्रदूषण रहित बैटरी से चलने वाले व्हीकल, तांगे, ऊंट गाड़ियाँ और रिक्शा ही चल सकती हैं, इनको ही यहाँ पर चलने की अनुमति है। डू यू नो अकबर द मुगल एम्परर शिफ्टेड हिज कोर्ट फ्रॉम आगरा टू फतेहपुर सिकरी फॉर 13 ईयर्स इन ऑनर ऑफ द सूफी सेंट शेख सलीम चिश्ती हु लिव्ड हियर। मुगल शासक अकबर ने अपने दरबार को आगरा से फतेहपुर सिकरी ले आया था 13 सालों के लिए क्योंकि वहां पर सूफी संत शेख सलीम चिश्ती रहते थे और उनको सम्मान देने के लिए ही अकबर ने अपना दरबार आगरा से फतेहपुर सीकरी शिफ्ट कर लिया था। थैंक यू बेटे।